दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू हुंडई स्टार गेजर और आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे आपकी ऑल न्यू स्टार गेजर के बारे में। आपकी ऑल न्यू स्टार गेजर हुंडई की एक लेटेस्ट ऑफरिंग है 6 सीटर और 7 सीटर प्रीमियम एमपीवी सेगमेंट की। इंडिया में लॉन्च के साथ ये गाड़ी डायरेक्टली कम्पीट करेगी XL6 और कारेंस के साथ। ये गाड़ी कम्प्लीटली कारेंस ही है लेकिन यहाँ पर जो हुंडई का फंक्शन वाला डिज़ाइन वाला एक जो एडिशन हुआ है ना वो अलग ही लेवल में ले जा रहा है इस गाड़ी को। और इंडिया में लॉन्च होते ही ये गाड़ी नंबर वन चले जाएगी प्रीमियम नेस के मामले में। मतलब इसका डिज़ाइन आप देखेंगे आपको एक अलग फील आएगा। इसके टोटल 5 कलर ऑप्शन यहाँ पे दिखाए गए हैं। ये गाड़ी 6 सीटर और 7 सीटर दोनों ऑप्शन के साथ आती है। पूरा कलर ऑप्शन दिखा दिया है और हुंडई ने अपना पूरा पवेलियन स्टार गेजरों से भर दिया है। सबसे पहले देखते हैं गाड़ी में क्या कुछ मिल रहा है, क्या कुछ इसका डिज़ाइन है, अंदर कितना स्पेस है भाई साहब, क्या ये गाड़ी कम्पीट कर भी पाएगी XL6 से या फिर सिर्फ कहने की बात है कि प्रीमियमनेस है या फिर फीचर वाली चीज़ें मिल रही है। तो सबसे पहले देखिए गाड़ी की जो लंबाई है ये XL6 से ज़्यादा मिलने वाली है लेकिन कारेंस से थोड़ी कम रहेगी और अर्टिगा से भी ज़्यादा लंबी गाड़ी है। सबसे अच्छी बात है कि इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है। अब जिस हिसाब से आपको अर्टिगा के अंदर 185 mm मिलता है इसमें आपको 195 जो कि बिल्कुल सेम है कारेंस वाला, क्योंकि इसका जो प्लेटफॉर्म है वो लगभग सिमिलर रहने वाला है कारेंस और इसका, कोई भी चेंजेस इसमें नहीं रहेंगे। और ये कुछ आप देख रहे हैं इस गाड़ी के फ्रंट के लुक को, फ्रंट से गाड़ी एक मॉडर्न अपील के साथ आती है। ये जो कलर ऑप्शन भी आप देख रहे हैं ये इसका ड्रैगन रेड कलर ऑप्शन है, इसमें सारे कलर ऑप्शन यहाँ पर इनने दिखा दिए हैं। और अब आप देख रहे हैं इस गाड़ी की फ्रंट की प्रोफाइल, आपको थोड़ा सा पोलराइजिंग डिज़ाइन लग रहा होगा, डिज़ाइन का पार्ट हमेशा सब्जेक्टिव रहता है। अभी आपने वरना देखी थी कहीं ना कहीं यही DRL आपकी वरना के अंदर भी रहे थे। अब इस गाड़ी को अगर आप XL6 के बगल में खड़े करेंगे, काफ़ी लोग XL6 को पसंद करेंगे उसके बोल्ड करेक्टर की वजह से, लेकिन इंटीरियर में आप देखना अच्छा लुक आपको पसंद आएगा। प्रीमियम हुंडई बनाती है हर बार और यहाँ पर भी पूरी कोशिश इन्हें करी हुई है। फ्रंट से देखिए गाड़ी में क्या मिलता है और ये है इस गाड़ी की फ्रंट की प्रोफाइल। यहाँ पर आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपको जो नई वाली वरना है या फिर जो नियोस है उसके डिज़ाइन एलिमेंट्स मिलेंगे। अगर आप देखेंगे यहाँ पर हुंडई का लोगो वो ऑफर किया गया है, कुछ ऐसी आपको ग्रिल मिलती है, नीचे आप ग्रिल देखेंगे, पूरा जो फ्रंट का बम्पर डिपार्टमेंट है वो आप नोटिस करेंगे। ऐसे कुछ डिज़ाइन में आपको हेडलैम्प्स मिलते हैं। हेडलैम्प्स में क्या है पास से देखते हैं तो यहाँ पर देखेंगे ना टर्न इंडिकेटर, भाई साहब यहाँ पर हैलोजन ही रखा गया है तो ये एक पार्ट हो सकता है कॉस्ट कटिंग का। बट अगेन नीचे देखेंगे क्वाड आपको यहाँ पर हेडलैम्प्स दिए गए हैं। थोड़ा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको फॉग लैम्प ऑफर किया गया है। फ्रंट में देखेंगे कोई भी पार्किंग सेंसर मैं नहीं देख रहा हूँ लेकिन फ्रंट का डिज़ाइन इसका बिल्कुल क्लीन रखा गया है, अच्छा डिज़ाइन रखा गया, भरा भरा डिज़ाइन है और कम्प्लीटली प्लैक्ड है, ऐसा नहीं लग रहा है ग्रिल से अंदर कुछ दिख रहा हो। साइड से आप देखेंगे कोम हो के आपको टायर मिलते हैं जो सेल्टॉस भी आपको ऑफर करती है। साथ ही टायर प्रोफाइल की बात करेंगे तो टायर इसमें मिल रहा है 205/55 रेडियल 16 16 इंच का टायर मिलने वाला है। आगे देख रहा हूँ डिस्क ब्रेक दिए गए और अच्छा खासा यहाँ पर व्हील ट्रैवल भी है, ज़्यादा नहीं है लेकिन ठीक दिया गया है। गाड़ी का जो प्लेटफॉर्म है कहीं ना कहीं जो कारेंस है उसके ऊपर बना है तो जो ग्राउंड क्लियरेंस का फ़ायदा है इसको मिल जाएगा। अब इसका ग्राउंड क्लियरेंस ना सेल्टॉस से भी ज़्यादा है, आपकी जो क्रेटा है उससे भी ज़्यादा है, उसमें आपको केवल 192 mm मिलता है, इसमें 195 का मिल रहा है। गाड़ी की लंबाई आप देखो क्या लंबाई दी गई है, मतलब इसकी सबसे अच्छी बात है कि इस गाड़ी में अंदर स्पेस अच्छा बनाने की कोशिश की गई है। जैसे कारेंस की लंबाई आती है 4540 mm की, इसकी लंबाई है 4460 mm, यानी कि ये थोड़ा तो छोटी है कारेंस से लेकिन अंदर स्पेस बिल्कुल प्रैक्टिकल है इसका। और साथ ही इसकी अगर XL6 से आप कंपैरिजन करेंगे तो XL6 की लंबाई है 4445 mm की, तो वहाँ पर लगभग आपको 2 से 3 इंच का डिफरेंस है। अगल बगल अगर आप गाड़ी खड़ी करेंगे XL6 की लंबाई कम है लेकिन फिर भी वो अपने बोल्ड कैरेक्टर की वजह से ज़्यादा बड़ी लगेगी। पीछे जो टेल लैम्प है वो आपको रनिंग टेल लैम्प मिलेगा और अच्छा दिख रहा है। और इससे थोड़ा और मॉडर्न नेचर इसमें देने के लिए यहाँ पर ऐसा ट्रायर और डिज़ाइन बना दिया है, कुछ ऐसे आपको यहाँ पर पीछे स्टार गेजर के फॉन्ट देखने को मिलेंगे। कैमरा आप पीछे की ओर देख सकते हैं, ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर एक शार्क पिन एंटीना भी रखा गया है। मैं देख रहा हूँ भाई को सनरूफ इसमें नहीं है, वो भी आप नोटिस करना, सनरूफ वाला पार्ट अगर आपको चाहिए तो कारेंस इज़ द ऑप्शन फॉर यू। और साइड से देखेंगे तो ऐसी दिखती है गाड़ी। यहाँ पर आप देखेंगे रियर में पार्किंग सेंसर। आप कोई ऐसी गाड़ी ढूंढ रहे हैं अपने लिए जो 1-2 साल के अंदर इंडिया में आ जाए, क्योंकि देखिए सबसे पहले इस गाड़ी को इंडोनेशिया में लॉन्च करा, उसके बाद अब नंबर आ रहा है थाईलैंड का, थाईलैंड से सबसे ज़्यादा पास पड़ती है हमारी इंडिया, यहाँ पर ये गाड़ी आ सकती है और लॉन्च होगी तो बिल्कुल धमाका मचाएगी, क्योंकि हुंडई के पास पहले से ही बहुत बड़ी वेटिंग है। ऑलरेडी जो उनकी क्रेटा है उसका लोग इंतज़ार कर रहे हैं। स्टार गेजर आ जाए तो थोड़ा सा जो उनका वॉल्यूम है इधर उधर शिफ्ट होगा और लोगों को जल्दी डिलीवरी भी मिलेगी और ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा। साथ ही मैं दिखा दूँ आपको इस गाड़ी की विंडशील्ड, तो बड़ी सी विंडशील्ड मिलने वाली है स्टार गेजर स्मार्ट 6। ये इसका 6 सीटर वर्जन है और स्मार्ट इस मॉडल का नाम है। वहीं साथ में देखेंगे एक और कलर ऑप्शन है जो कि यहाँ पर थोड़े ग्रे फिनिश के साथ आता है। ये जो आप इंजन ऑप्शन देख रहे हैं मैं बता रहा हूँ कि आपको 1.5 MPI ऑप्शन वाला दिया जाएगा थाईलैंड के अंदर। इंडिया में डीजल भी मिल सकता है, 1.5 टर्बो पेट्रोल भी मिल सकता है, लेकिन अभी यही ऑप्शन आपके सामने रख पा रहा हूँ मैं। और ऐसे कुछ टर्न इंडिकेटर आपने देखे जो कि हैलोजन के साथ है, देख सकते हैं
कैसा पूरा अंदर का लेआउट है, क्योंकि ना गाड़ी का अंदर स्पेस ज़्यादा है तो इंजन बड़ा छोटा सा आपको लगेगा। 114 हॉर्स पावर बनाता है और 144 NM का टॉर्क है। फ्यूल इकोनॉमी के मामले में 14 से लेकर 15 का माइलेज ये इंजन बड़े आसानी से देता है। 4 सिलेंडर का इंजन है, डबल जेट है इसमें और रिफाइंड है इंजन। सेल्टॉस के अंदर हम स्टार्टिंग से देखते आ रहे, फिर उसके बाद क्रेटा में इंजन मिला आपको, वर्ना के अंदर देखने को मिल चुका है, बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसे शेयर कर चुकी है। एक और जो इनका वाइट शेड है वो आपके सामने है, कैसा लग रहा है आप जरूर बताइए। इसमें भी जो कॉन्ट्रास्ट वाले एलिमेंट्स है, जो DRL वाला पार्ट है, बढ़िया लग रहा है। रूफ आपको बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट ब्लैक में दी गई है, ये भी आप पसंद करेंगे। और 7 सीटर की ओर भी आप बढ़ रहे हैं और साथ में ही देख रहे हैं इसका ऑल ब्लैक, ये सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा बोल्ड अपील के साथ है, बढ़िया लग रहा है। प्रीमियम जो थीम आपको चाहिए वो है। सारे के सारे जो अलॉय आप देखेंगे लगभग सिमिलर है और एक मॉडर्न अपील के साथ आपको ये अलॉय भी बना के दिए गए। कैसा कुछ आपको यहाँ दिया गया मामला देखिए, तो ये है इसके लुक्स। ये है 7 सीटर वर्जन और खास बात यह है कि जो 6 सीटर है वो ज़्यादा महंगा है 7 सीटर के मुकाबले। इसकी प्राइसिंग मैं देख रहा हूँ कम है। अब जिस हिसाब से ना 10.5 लाख रुपये के रेंज में आपको XL6 भी मिलती है, कारेंस भी वहीं से स्टार्ट हो जाती है, तो 10.5 लाख रुपये एक्स शोरूम बेस मॉडल में इस गाड़ी को भी आ जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा ये जा सकती है 11 लाख रुपये एक्स शोरूम बेस मॉडल, क्योंकि फिर क्रेटा की बारी आ जाती है और क्रेटा से और इसको लगभग 50,000 रुपये का डिफरेंस तो कंपनी को रखना पड़ेगा और क्रेटा को थोड़ा प्रीमियम फील हमेशा करवाना पड़ेगा। साथ ही देखेंगे नीचे की ओर तो यहाँ पर आपको जो 195 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है वो जस्टिफाई कर रहा है। एक आपको देखिए फ्रंट में जो मड डिफ्लेक्टर है वो दिया गया है। टायर का साइज़ थोड़ा छोटा लग सकता है इस गाड़ी के साइज़ के हिसाब से और 360 डिग्री कैमरा कहीं पर भी नहीं मिलेगा। जो स्लोपिंग वाला सिस्टम मिल रहा है ना आपको पूरा, वो बढ़िया सा लगेगा। और लेन वॉच कैमरा भी दिख रहा है भाई, अंदर देखते हैं कुछ एडेस के फंक्शन है तो। कोई भी सनरूफ नहीं है इसमें, साइड में रनिंग बोर्ड नॉर्मल सा रखा गया है इसके साथ ही। और अंदर ना 7 सीटर का मज़ा ले रहे हैं लोग, वो आपको दिखा दूंगा 7 सीटर का लेआउट कैसा है। लेकिन ब्लैक इज़ ब्लैक, एक बार देख लेते हैं ब्लैक वाली थीम को, तो यहाँ पर आप आएंगे तो ये है इसके कुछ इंटीरियर्स। मैं देख रहा हूँ अलग अलग वेरियंट्स में अलग अलग इंटीरियर मिल रहे हैं, वो आपको नोटिस कराऊंगा। डैशबोर्ड का साइज़ बहुत बड़ा सा इसमें दिया गया है और थोड़ा पीछे से अगर आप देखेंगे तो ऐसा कुछ दिखाई पड़ता है डैशबोर्ड। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए डोर कितना ओपन होगा, यहाँ पर आपको प्लास्टिक दिया गया लेकिन एक थीम के साथ मिलता है, कुछ स्टिचिंग दी गई है, ये सॉफ्ट टच है। ये आप सारे बटन क्रेटा में पहले ही देख चुके हैं, इतना स्पेस मिलेगा कुछ। यहाँ पर आपको स्पीकर का प्लेसमेंट है, ये देख रहे हैं भाई साहब आप इनकी सीटिंग जो कि काफ़ी कंफर्टेबल लग रही है और अगर आप कारन से कम्पीट करेंगे तो लगभग सिमिलर लग रही है, लगभग सेम है। और साथ ही ऊपर देखेंगे तो आपको रूफ माउंटेड एसी वेंट मिलेगा और यहाँ पर जो सनरूफ है उसकी कमी आपको ज़रूर खलेगी। ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखाया गया जो कि इनका IVT रहता है, IVT इंडिया में भी मिलता है आपको, CVT का ही मॉडिफाइड वर्जन है। और ऐसा कुछ आपको स्टेयरिंग मिलेगा जो कि गोल है, 4 स्पोक मिलने वाला है। कुछ ऐसे फंक्शन आपको जो अडास के फंक्शन है जो कि लेन असिस्ट, ये आप यहाँ पर नोटिस करेंगे। हुंडई का बढ़िया सा लोगो, ऐसे कुछ यहाँ पर आपको ओवल शेप्ड में एसी के सारे वेंट मिलेंगे जो कि बिल्कुल शट हो रहे हैं। क्वालिटी अच्छी लग रही है इनकी भी। और साथ में ही अब देखेंगे इसमें क्या मिलता है, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन देखेंगे, लाइटिंग के सारे कंट्रोल। मैं देख रहा था ना इस चीज़ को, ये चीज़ आप देखेंगे, ऐसा कुछ आपको यहाँ पर ड्राइवर डिस्प्ले मिलेगा जो कि अच्छी लग रही है। ऐसा कुछ स्पेस मिलेगा, टोटल 6 एयरबैग इस कार के साथ आपको मिलेंगे, डुअल फ्रंटल और 2 साइड कर्टन एयरबैग्स। ऐसा कुछ यहाँ पर आर्मरेस्ट मिलेगा, सॉफ्ट टच है। इसमें देख रहा हूँ वेंटिलेशन का फंक्शन उठना चाह रहा था लेकिन मुझे मिला नहीं कहीं पर भी। ड्राइव मोड तो दिख रहे हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ करने का ऑप्शन है, पार्क रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव मोड और स्पोर्ट मोड में डालने का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे फ्रंट में आपको जो विंडशील्ड का डिफॉगर है उसको आप ऑन कर सकते हैं, या आप ऑटोमेटिक एसी, यहाँ पर आप सारे जो बटन से इनको ऑपरेट करेंगे। इतना स्पेस इसके ग्लोव बॉक्स में दे रहा है और यहाँ पर भी स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पर भी बड़ा सा स्पेस दिया गया है, यहाँ पर कुछ मूर्ति रखने के लिए भी स्पेस है। और यहाँ पर देखेंगे तो IRVM का साइज़ आप देख सकते हैं जो कि पीछे का व्यू आपको दिखा रहा है। विंडशील्ड से बाहर देखेंगे तो विजिबिलिटी गाड़ी की अच्छी है लेकिन पहाड़ों में जब आप चलाएंगे इससे थोड़ा सा आपको जो ब्लाइंड स्पॉट है वो क्रिएट होगा। छोटा सा आपको यहाँ पर दिया गया है लेकिन वो आपको मैनेज करना होगा क्योंकि गाड़ी का डिज़ाइन ही उस अकॉर्डिंग बनाया गया है। और हेडरूम शोल्डर रूम में गाड़ी में कोई शिकायत नहीं है, मेरा हेडरूम देखेंगे शोल्डर रूम देखेंगे तो प्रॉपर लगेगा आपको। तो ऑल एंड ऑल ना लगभग अगर 11 लाख के नीचे गाड़ी को स्टार्ट कर दिया जाए, 10,99,000 रुपये के आसपास, तो एक डील बन सकती है। और डीजल भी मिलना चाहिए, डीजल मिस आउट नहीं होना चाहिए। टर्बो पेट्रोल हो सकता है कि ना इसमें, केवल 1.5 पेट्रोल और डीजल का ऑप्शन के साथ ये दिखे, लेकिन गाड़ी स्पेस वाइज यहाँ तो सही लग रही है। पीछे ले जाता हूँ क्योंकि मेन प्रैक्टिकलिटी वहीं से शुरू होती है। और कलर ऑप्शन में सारे कलर लेके आ गया हूँ आपके लिए। तो यहाँ पर देखें बड़ा सा स्पेस यहाँ पर भी ओपन होता है। और पीछे देखेंगे तो आपको सी पिलर के बाद डी पिलर भी मिलता है जिसमें एक क्वार्टर पैनल ग्लास भी दिया गया है। और पीछे से देखेंगे ना गाड़ी को दोबारा से ऐसी दिखाई पड़ती है, अब गाड़ी बिल्कुल खाली हो चुकी है, लोग जा रहे हैं तो यहाँ पर और बढ़िया तरीके से हम इन्जॉय कर पाएंगे। स्टार गेजर आपको लिखा हुआ मिलेगा, पीछे का आप सारा टेल लैम्प वाला डिपार्टमेंट देखेंगे। पीछे का जो व्हील ट्रैवल है थोड़ा ज़्यादा मिलेगा क्योंकि अच्छा खासा पीछे 5 लोगों का लोड रहने वाला है, आगे इंजन का और ज़्यादा जो 2 लोग बैठे उनका ज़्यादा एक वेट रहता है। अगर नॉर्मल गाड़ी चल रही है, अगर ब्रेकिंग हो रही तो ज़्यादा वेट आगे शिफ्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी
एक मैं वैसे आपको आइडिया दे रहा हूँ, पीछे का थोड़ा सा ज़्यादा आप नोटिस करेंगे, आगे का हल्का सा 20% कम है ट्रैवल, जो कि डायनेमिक्स को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ आपको सॉफ्ट टच दिया गया है, ये चीज़ आपको बॉटल रखने के लिए स्पेस दी गई है। यहाँ पर आप देखिए असली कहानी, यहाँ पर 3 लोगों के बैठने की स्पेस है, लेकिन आर्टिगा से अगर आप इसे कंपेयर करेंगे तो लगभग सिमिलर लगेगा आपको, एक्सल 6 में लगभग सिमिलर लगेगा। थोड़ा डिफरेंस आप चौड़ाई में बता सकते हैं, लेकिन मुझे उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा है। बस ये है कि जो इसकी सीटिंग है थोड़ी सी लो आपको मिलेगी, तो ऊपर जो आप हेडरूम इसमें पाएंगे वो ज़्यादा आपको हेडरूम मिल जाएगा उनके मुकाबले। कुछ आपको यहाँ पर एसी वेंट और ये चीज़ें देखने को मिलेगी, लाइटिंग की सारी चीज़ें हैं। पीछे 2 लोगों के बैठने की स्पेस है, एक बार देख लेते हैं कितनी प्रैक्टिकल है। आपको यहाँ पर सारा सीट बेल्ट की माउंटिंग है, एसी वेंट पीछे वालों के लिए है या फिर नहीं है वो भी देखेंगे, पावर के लिए तो दिया हुआ है। इन चीज़ों को देखेंगे, आइसोफिक्स माउंट्स यहाँ पर ये दे रहे हैं, और इस साइड देखेंगे कोई भी एसी वेंट नहीं है क्योंकि सब कुछ ऊपर दिया गया है। इनकी क्वालिटी अच्छी लग रही है, साथ ही यहाँ पर ये मैंने बताया आपको, ये चीज़ें बताई, बैठ के देखते हैं इसके अंदर। तो ये है इस गाड़ी के फ्रंट का डैशबोर्ड किस तरीके से दिखता है। कहीं ना कहीं क्रेटा की याद आएगी आपको, वरना की याद आ सकती है, और जो आपकी i20 है उसका डिज़ाइन यहाँ पर आपको दिखेगा। गाड़ी में देखेंगे नीचे आपको USB A का ऑप्शन मिलने वाला है। यहाँ पर अगर आप मेरा स्पेस देखेंगे, हेडरूम शोल्डरूम कोई शिकायत नहीं, इसमें भी ऑप्शन क्या क्या है देख लेते ना। ये देखिए टंबल भी हो सकती है, तो ये चीज़ ना जो मिसिंग है आर्टिका और एक्सल 6 के अंदर, ये प्रैक्टिकलिटी वाली चीज़ इसमें आपको मिल रही है। तो ये एक अच्छी बात हो गई, ये काम आप करके आसानी से थर्ड रो को भी इंजॉय करेंगे। सेकंड रो में तो मोस्टली हरी गाड़ी में स्पेस मिल जाता है, और 2 लोग 3 लोग इसमें आ जाएंगे आसानी से, उसको भी आप कर सकते हैं क्योंकि 40-60 का ऑप्शन है। अगर 60 हो ही गई तो 40 भी हो ही जानी है, वो भी अभी देखेंगे। और यहाँ पर एक लाइटिंग का पार्ट है ताकि आपकी मैटिंग ख़राब ना हो। पीछे देख रहे हैं थोड़ा सा स्पेस आपको लिमिटेड मिलेगा इन वाली सीट के मुकाबले, हल्का सा कम मिलेगा इसमें, ये भी 20% हल्का सा कम रहेगा। और इसमें भी आपको जो हेड रीस्टैंड है ये आपको मिलने वाला है एडजस्टेबल। इस साइड देखेंगे 2 लोगों के लिए सीट बेल्ट है। इन सीटों को अगर हम कर देंगे पीछे की ओर, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है इतना स्पेस। अब ये सीट मैंने आगे की हुई थी उसके अकॉर्डिंग इतना स्पेस इसने यहाँ बनाया हुआ है, जो कि आप नोटिस करेंगे आगे वाली सीट का स्पेस इतना है, ये वाली सीट का स्पेस इतना है, और ये वाला स्पेस देखेंगे तो इतना है। तो स्पेस तो बना पा रही है, लेकिन अभी थोड़ा आगे की तरफ ये है। और यहाँ पर ना जो कार इसमें चीज़ मिलती है वो सिंगल क्लिक वाला जो एक्चुएटर उसमें दिया गया है, वो चीज़ इसमें थोड़ा सा मिस आउट है। होने को गाड़ी पूरी की तरीके से कारेंस है, और यहाँ पे कारेंस नहीं बेची जाती है, उसके साथ अर्टिगा आती है और टोयोटा की वेलॉस आती है, और वेलॉस को कम्पीट करती है गाड़ी। वेलॉस का थोड़ा है ना डिज़ाइन और बोल्ड करेक्टर है, वहाँ पर उसको थोड़ा प्लस पॉइंट मिलता है। और साथ में ही जो थर्ड रो में बैठा हुआ है उसके लिए जो सबसे मेन चीज़ रहती है वो है एसी वेंट, तो यहीं पर जो एसी वेंट है वो आपको दिए गए। अच्छी बात यह है कि टोटल 4 यहाँ पे दिए गए, तो आप क्या कर सकते हो, जो बीच वाले 2 हैं उनको पीछे के लिए यहाँ पे डायरेक्ट कर दीजिए, जो यहाँ पर 2 दिए गए उनको यहाँ के लिए कर दीजिए, जिससे दोनों रोज के लिए हो जाएगा। यहाँ पर अगर सेपरेटली भी रहते तो और बढ़िया थे, लेकिन यहाँ पर ऐसी चीज़ नहीं देख रहा हूँ मैं, थोड़े बहुत पार्सल सेल्फ और ये चीज़ों के लिए है, लेकिन ऐसा कोई डेडिकेटेड वाला यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाला। ग्लास का साइज़ अच्छा है, और किया की बैजिंग भी आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगी। बाकी ये कुछ हमने देखा भी इसके थर्ड रो सीटिंग और इन सब चीज़ों को, बाकी एक बंदा आराम से आएगा इसमें। रिक्लाइन भी ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, ठीक। अब देखिए अगर आपको यहाँ से बाहर निकलना है तो इनको आपको शिफ्ट करना, और ईजिली टंबल हो जाती है, और ये इतना बड़ा ईजी बनाया गया है इसको। और यहाँ पर जो अपना पूरा लेग रूम है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, बाकी फ्लैट फोल्ड होती है तो सामान भी आसानी से आएगा इसके अंदर। यहाँ से आप आ चुके हैं बाहर, और इतना स्पेस आपको मिलता है बाहर आने के बाद। इसको आप कर देंगे कम्प्लीटली फ्लैट, और इसको अभी एक बार बंद करके दिखाता हूँ। और मैंने बूट आपको यहाँ पर से दिखाना है, तो बूट आपको मिल जाता है इसके अंदर 200 लीटर के आसपास का बूट स्पेस है। बूट ज़्यादा गुंजाइश रहती नहीं इनमें, क्योंकि 7 सीटर है प्रॉपर, और उसी हिसाब से आपके पास कारेंस भी यही देती है। आर्टिका एक्सल 6 में भी ऐसा ही है, आप उसे हर बार कहते हैं कि 7 लोगों को बैठा तो दिया, सामान कहाँ लेके जाएंगे, तो वो अलग मैटर हो गया है। यहाँ पर सामान के लिए स्पेस आपको अलग मैनेज करना होगा, लेकिन इतना स्पेस हल्का फुल्का है प्लेटफॉर्म। अब अगर आप इसको पूरा फोल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं इन सीटों को आगे करके, तो ये कम्प्लीटली फ्लैट होता है, तो कहीं ना कहीं आपको सेल्टॉस और क्रेटा वाली फील भी है, इजीली दे देता है। इसके लिए कोई भी पावर टेलगेट और ये ऑप्शन नहीं है, तो इसको आपको मैनुअली ही बंद करना होगा। ये रही फिर आपके सामने गाड़ी। बाकी सेफ्टी की बात करें तो इंडिया में जब ये गाड़ी आएगी तो नो डाउट 6 एयरबैग और ये चीज़ें बेस मॉडल में देगी। प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ नहीं कह सकते, अगर हुंडई इसमें कुछ मॉडिफाइड K2 प्लेटफॉर्म डाल दे तो वो उनके ऊपर है, लेकिन अगर कारेंस वाला ही रहा तो वही सेफ्टी रेटिंग मिलेगी जो कारेंस के साथ है। और अगर 6 एयरबैग और ये चीज़ आ रही है बेस मॉडल से, तो विद इन सिटी लिमिट्स सेफ है गाड़ी, ऐसी दिक्कत नहीं है। 64, 65, 70 में अगर आप चलेंगे तो सेफ है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर आप चलेंगे तो आपको थोड़ा संभाल के चलना है। और यहाँ पर हमने सब कुछ दिखाया, ये भी मैं बता रहा हूँ कि सिंगल क्लिक में टंबल होने वाली चीज़ है, तो प्रैक्टिकलिटी में तो कोरियंस का कोई जवाब नहीं है, वही चीज़ इन्हें बढ़िया ही बनाती है। ये आपने देखा है अभी 7 सीटर वर्जन, क्योंकि इसका जो 6 सीटर है वो 7 सीटर से ज़्यादा महंगा रखा हुआ है इन्हें। इस साइड देख लीजिए ऐसे दिखता है, ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है ना कि
जैसे क्रेटा के बीच वाले मॉडल या i20 के बीच वाले मॉडल में मिलता है वैसी कुछ फील है, और ऐसा है फिर गाड़ी का। बाकी डोर थर्ड और ये चीज़ें सेम टू सेम आपको कारेंस वाली ही याद दिलाएगी। बाकी कलर बहुत प्यारे लग रहे हैं, सब कुछ एक ग्लिटर के साथ है और अच्छे तरीके से इन्हें ना मेंटेन भी किया हुआ है, क्योंकि हाथ के सारे स्मजेस लगते हैं तो बार बार वो साफ़ कर रहे हैं और उसके हिसाब से ही इसकी जो शाइन है वो मेंटेन रह रही है। एक देख रहे हैं इसका वाइट शेड और साथ में ये इसका ग्रे शेड है, और इन्हीं सब कलर्स को अगर आप बैक प्रोफाइल से देखेंगे तो ऐसे दिखाई पड़ते हैं, बहुत बढ़िया लगते हैं। यहाँ पर आपको दिखाता हूँ इसका सिल्वर कलर जो कि एक प्रीमियम चार्म के साथ आ रहा है, ये भी सिक्स सीटर अवतार है। इसमें समझाता हूँ आपको गाड़ी क्या देने वाली है। स्टार गेजर का जो फॉन्ट है वो अलग सा नोटिस होगा आपको, अगर आप देखेंगे पियानो ब्लैक वो अलग से नोटिस होंगे क्योंकि एक कॉन्ट्रास्ट जम रहा है इसमें, और इसमें ना ब्लैक रूफ भी नहीं की गई है तो थोड़ी अलग लग रही है गाड़ी, थोड़ी सी प्लेन लग रही है उनके मुकाबले। और पीछे का जो स्किड प्लेट है वो सिल्वर के साथ देखने में मिलेगा। गाड़ी के साइड्स एंड क्रट्स एंड क्रीजेस हरे भरे से लगने वाले हैं, साइड से ऐसी दिखाई पड़ेगी गाड़ी आपको, और फ्रंट में आएंगे तो थोड़ा सा ना प्लेन हो जाती है। सिल्वर कलर के साथ ऐसा ही है, थोड़ा चार्मिंग भी है लेकिन थोड़ा सा फीका भी लगने लग जाता है। और यहाँ पर देखेंगे तो ऐसे आपको कट्स के साथ जो ट्रेपेज़ॉइडल है या फिर जो हेक्सागोनल डिज़ाइन है उसमें भरा हुआ ग्रिल मिलती है इसकी, और ऐसी पड़ेगी आपकी ये गाड़ी यहाँ से लुक्स में। आप देखते हैं एक बार सिक्स रो किस तरीके से है। इसके अगर आप इंटीरियर में नज़र डालेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है। यहाँ पर थोड़ा क्रोम डोर हैंडल ये हमने नोटिस नहीं करे तो ये चीज़ है। ये आप देखेंगे इसके फ्रंट का जो सारा का सारा डैशबोर्ड वाला पार्ट है, और उसी के साथ यहाँ पर अगर आप आएंगे तो जो सिक्स सीटर वाली पूरी लग्जरी है वो आप नोटिस करेंगे। हाइट अगर आपकी 6 फीट के आसपास है तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, और स्पेस आप उतना ही इसमें लेंगे जितना आप एक तरीके से इनोवा में ले पाते हैं, क्योंकि इनोवा की हाइट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है तो उतना ज़्यादा आप ले नहीं पाते। इसमें ना सीटों को पहले से नीचे रखा गया है, थोड़ा सा रिक्रिएशनल वाला आपको फील आने वाला है। ये जो आप थोड़ी सी यहाँ पर टेबल देख रहे हैं इसमें आपका कप भी आ सकता है, बॉटल भी आप रख सकते हैं और पैन भी आ जाएगी, और करीब 2 kg या 3.5 kg के आसपास का वजन ये संभाल लेता है। इतना स्पेस देखेंगे पीछे जाने के लिए आपको इतना कुछ यहाँ पर से जाना होगा, सेम है मतलब इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। और टंबलिंग का फंक्शन करना चाहे तो इसको ही दबा के आप इससे टंबल इसको आपको दबाना है, और यहीं से आप इसको टंबल करने का ऑप्शन है, और यहीं से आप ऐसे करके बाहर को भी आ सकते हैं। ऑल एंड ऑल बड़ा सही सा पैकेज है। सीटें बताया था एक बार किस तरीके से आपको सीटें मिलने वाली, दोनों भी टंबल हो सकते हैं, और यहाँ पर आपको इस तरीके से दोनों तरफ फैब्रिक है। अब कारेंस में ना यहीं पर दे दी है वो चीज़, तो एक अपडेट आना है वो इसमें भी मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये कुछ आपने देखा पूरा सीट्स का लेआउट, एक बार बैठ के देख लेते हैं इसके अंदर कितना स्पेस यहाँ पर आपको मिलने वाला है। ये तो फ्रंट का डैशबोर्ड वही रहने वाला है क्योंकि कोई मॉडल में डिफरेंस नहीं है, बस हेडरूम शोल्डर रूम में आप नोटिस कर लीजिए मुझे बैठने में वही लग रहा है, बस जो पूरे रो में आपको कंफर्ट मिल सकता है कि खुल के आप बैठेंगे वो इसमें आप मिस करेंगे। और उसकी जो रो वाला 7 सीटर वाला लेआउट है वो भी अच्छा है एक तरीके से। इसमें थोड़ा ऐसा है कि आप दाएं बाएं ज़्यादा खिसक नहीं सकते, ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, और अगर आपको रिक्लाइन करना है तो रिक्लाइन का ऑप्शन इतना आपको मिलेगा कि आप इसमें रिक्लाइन कर सकते हैं, इतना रिक्लाइन होने का ऑप्शन है। और साथ ही ये जो बीच में टनल आप देखेंगे इससे आप पीछे की तरफ जाएंगे, इन सीट्स को आप जब ऊपर कर लेंगे वो सेम कहानी है। ये ऐसे कुछ आपको आर्मरेस्ट मिलेगी जो कि ये दिखेगी आपको और स्टडी लगने वाली है। तो अगर आप 7 सीटर लेते हैं, थोड़े पैसे बचाते हैं और ज़्यादा प्रैक्टिकल गाड़ी लेते हैं तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि इसमें वो जो 7 सीटर वाला मज़ा है ना वो मिस आउट करेंगे आप, वो थोड़ा अच्छा लगेगा आपको 7 सीटर में खुला खुला बैठ सकते हैं ना, वो थोड़ा सही रहता है। और ऊपर एसी वेंट और जो लाइनर है वो भी आइवरी शेड में बढ़िया सा, तो ये मेंटेनेंस करना पड़ेगा लेकिन क्वालिटी अच्छी दी गई है इसमें। और डोर थर्ड की बात करें, डोर थर्ड अच्छा है इसके अंदर। तो यही है फिर आपकी ऑल न्यू स्टार गेजर, एक बहुत ही क्विक अपडेट मैंने आपको दिया हुआ है। अभी मैंने हुंडई की पूरी लाइनअप आपके लिए कवर करनी है, इंडिया की तो मेरी पूरी लाइनअप बची हुई है, बस यहाँ पहले कवर करूँ फिर आराम से वो होते रहेगा, अपने घर की बात है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि हुंडई अच्छे अच्छे काम कर रही है, नई नई गाड़ियाँ आपके सामने बहुत सारी आनी है, 6 सीटर 7 सीटर एक अपडेट में सामने लेके आ गया हूँ कि अगर आपको चाहिए तो आपके पास स्टार गेजर इज़ द ऑप्शन। बस ये है कि आपको थोड़ा रुकना होगा, पहले क्रेटा लॉन्च होगी उसके बाद ही 1 साल के बाद ये गाड़ी लॉन्च होगी, और क्रेटा का लॉन्च 2024 में रखा गया है, तो ये गाड़ी आपको 2024 के अंत में ही दिख सकती है। तो यही साइड पार्ट है, लेकिन गाड़ी बड़ी अच्छी है, और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई। मिलते हैं ऐसी और नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।